ओम नमः शिवाय। ए स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि हम क्या करें जिससे भगवान भोलेनाथ हम पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं। सरल उपायों से खुश होने के कारण ही तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। धर्मग्रंथों में कुछ ऐसे उपाय बताए गया है जिन्हें करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। जीवन में कैसी भी मुश्किल हो, कठिन से कठिन समस्या हो, महादेव के इन उपायों से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शिव भक्त सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना है तो उनके लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे भक्त के सभी कष्ट दूर कर उसे मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय हम आपको बता रहे हैं जिनके द्वारा महादेव को प्रसन्न कर आप भी उनसे मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, भोलेनाथ को 11 सामग्री बहुत प्रिय है। इन सामग्रियों से उन्हें तत्काल खुश किया जा सकता है। वे सामग्री है जल, बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष। इनमें जल और बेलपत्र को प्रथम स्थान प्राप्त है। केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से विवाह तथा वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं तुरंत दूर होती है तथा गृहस्थ जीवन में आ रहे सभी व्यवधान तुरंत दूर होते हैं। अगर जन्मपत्री में शनि दोषयुक्त है या किसी प्रकार से पीड़ा दे रहा है तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे तुरंत राहत मिलेगी। शिवलिंग पर जब भी आप जलाभिषेक करें तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी किस्मत बदल सकती है। शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर जाने से बचते हैं। यदि आप लंबे समय से गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारण से आपके पास गाड़ी नहीं है तो रोज शिवलिंग पर चमेली का फूल चाहे तथा भगवान शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, आपको शीघ्र ही वाहन प्राप्ति का योग बनेगा। अगर लंबे समय से आप परेशान हैं, आपके सभी कार्यों में बाधाएं आ रही है तो बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे तथा इसके बाद उन पततों द्वारा माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करे। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करते हैं। शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इससे हमें समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारी कमियां और बुराइयां दूर होती हैं। यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है तो वहां एक दीपक जलाकर अवश्य आए तथा इसके पश्चात किसी मनोकामना के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मन विचलित रहता है तो एक तांबे का पात्र अथवा लोटा लें। अब इसमें कच्चे दूध डालकर उसमें थोड़ा शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय द्वारा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान होता है तथा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। ये उपाय छात्रों के लिए अति उत्तम है। अगर बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो पानी में दूध तथा काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। ये उपाय संतान को सभी कार्यों में सफलता दिलवाता है। शक्कर से शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लंबी उम्र के लिए शिवलिंग पर धूप अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें लिंग पर चढ़ाए गए सभी चावल अखंडित हो, टूटे हुए न हो। इससे शिव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।